क्या दोस्तों आप लोगों को लगा कि मनोज धोखेबाज है, टेक्निकल भैया धोखेबाज है या जुनू की टेक धोखेबाज है? मैं आप लोगों को बताता हूँ कि धोखेबाज कौन है। चलिए आज के नए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। यदि आप किसी भी पार्ट को मिस कर देते हैं और कुछ भी नहीं समझते हैं तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए मैं आप लोगों को ऐसे समझाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि धोखेबाज कौन है। धोखेबाज दोस्तों आप लोगों को यूट्यूब पर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं। धोखेबाज का मतलब यह हुआ दोस्तों कि कोई भी यूट्यूबर धोखेबाज नहीं है। जो धोखा करना चाहते हैं, जो स्कैम करना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को जैसे गूगल एड्स की मदद से आप लोगों के वीडियो पर या आप लोगों को एड के माध्यम से वो अपना एक एड चला रहे हैं, और उस एड में बताते हैं कि मैं आपका चैनल जो है फ्री में मोनेटाइज करवा दूंगा, अब मैं आपके चैनल पर फ्री में 1000 सब्सक्राइबर दे दूंगा, यानी सब कुछ मैं आप लोगों को फ्री में कर दूंगा, जो भी हेल्प चाहिए वो आप हमसे फ्री में ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस चक्कर में पड़ रहे हैं, उनके धोखेबाजी के चक्कर में पड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा उनका नुकसान का सामना करना पड़ जाता है, यानी कि उनके स्कैम में पड़ जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। और कुछ इस तरह का भी धोखेबाज आप लोगों को देखने को मिलेंगे यूट्यूब पर, क्या कहेंगे कि वो एड के माध्यम से या उनका यूट्यूब चैनल ही होगा, कुछ भी होगा दोस्तों, वो फेस कैम वीडियो नहीं बनाते हैं। वो क्या कहेंगे कि आप इतना पैसा दीजिए, मैं आपके चैनल को बिल्कुल ही आसानी से मोनेटाइज करवा दूंगा, पैसा दीजिए। आप पैसा दे देते हैं और आपके चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होता है, यानी कि तरह तरह से आप लोगों को धोखे में रखते हैं, तरह तरह से आप लोगों के साथ स्कैम करते हैं और बहुत सारे लोग इस स्कैम में फंस जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के स्कैम में मत फंसिए। यदि आपको कुछ भी करना है तो आप मेहनत कीजिए, आप लोग भी एक दिन जरूर से जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का स्कैम में आपको नहीं पड़ना है। कुछ भी करने से पहले आप लोग को उसके बारे में पूरा डिटेल से पहले जानकारी इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद ही कुछ करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दें।